वेलकम अगेन टू फ्रेशर क्लासेस फॉर एप्टीट्यूड मैथ क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। जैसे पिछली वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे, हमारे 8 प्रॉपर्टीज हो गई थी एक इस परफेक्ट स्क्वायर निकालने की, क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में पढ़ चुके थे। तो उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप प्रॉपर मेरे सीक्वेंस वाइज देखिएगा हमारा वीडियो, तो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप मैंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए पहले मेरे पिछले वीडियो, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो आज का हमारा 9th प्रॉपर्टीज है एक परफेक्ट स्क्वायर निकालने का। 9th प्रॉपर्टीज है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर एन स्क्वायर। अगर किसी भी हमारा एन नेचुरल नंबर है हमारे पास, ठीक है, अगर उसका फर्स्ट ऑर्डर एन ऑड नेचुरल्स हो तो क्या होगा, उसका एन स्क्वायर निकालेंगे तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे किसी ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 अगर इसका सम करेंगे तो क्या होगा, ऑड ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इवन का सम करेंगे तो इवन ही आएगा, ठीक है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 सम ऑफ 8 ऑड एन नंबर्स इज 8 स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ क्या करते हैं, अगर एन ऑड लेते हैं नंबर ऑफ टर्म, यहाँ अगर एन इक्वल टू ऑड लेते हैं तो क्या होगा, ऑड आएगा। अगर हम क्या करते हैं, एन इवन लेते हैं तो हमारा क्या होगा, इवन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत ही इजी है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रॉपर्टीज है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ये ट्रिपलेट्स हर जगह काम देती है फ्रेंड्स, ट्रिपलेट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रिपलेट्स याद रखिएगा फ्रेंड्स। 3 नेचुरल नंबर एम एन पी आर सेट टू फॉर्म ए पाइथागोरन ट्रिपलेट्स एम एन पी इफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। जैसे कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसे ट्रायंगल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, जैसे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये हमारा ए, ये बी, ये सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर लिखते हैं। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, आप भी जानते होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये पाइथागोरस प्रमेय हर जगह वर्क करता है, इसको बहुत ज़रूरी याद करना, हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एम ग्रेटर देन 1 वी हैव 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 एज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स निकालेगा सिंपल फॉर्मूला, जो भी हमारा नंबर दिया है उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m, अगर m दिया हुआ है तो 2m, फिर उसका अगला पॉइंट निकालने के लिए उसका स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, फिर उसका अगला पॉइंट निकालने के लिए एम स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि हमारा एम मान लेते हैं 4, एक ट्रायंगल का एम मान लेते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पर 2m करना है, फिर उसका दूसरा पॉइंट निकालने के लिए एम स्क्वायर माइनस 1 करना है, तीसरा पॉइंट निकालने के लिए एम स्क्वायर प्लस 1 कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा एम क्या है, 4। तो यहाँ पे जैसा कि हमने एम इक्वल टू 4 लिया, इसका एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2m, सबसे पहले m, m की जगह 2m, सॉरी यहाँ पर 2m लेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब m स्क्वायर माइनस 1 लेंगे तो क्या होगा, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। उसके बाद अगर m स्क्वायर प्लस 1 लेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 16 प्लस 1 17, तो हमारा क्या हो गया, ट्रिपलेट्स 8, 15, 17। तो ये ट्रिपलेट्स निकल गया। ये ट्रिपलेट निकालने का बहुत ही मस्त आइडिया है फ्रेंड्स, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ट्रिपलेट्स निकालने के लिए बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, अलग अलग यूट्यूब पर डालते हैं कि ट्रिपलेट्स याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसको रटना पड़ता है, यहाँ पे मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप उसको तुरंत याद रख सकते हैं। जैसे ही आप देखा कि आपके यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपने देखा 8, तुरंत इसका हाफ कर दीजिए 4, यानी कि इसका ट्रिपलेट निकल, एम मान लीजिए 4, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस 1 कर दीजिए 15, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस 1 कर दीजिए 16 17, ठीक है, 8 15 17, तुरंत आपका ट्रिपलेट्स निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एम इक्वल टू 5, तो 5 हमारा क्या है, मान लीजिए एम ओवर 5, तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, 2m क्या हो जाएगा, 10, फिर एम स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 यानी 24, फिर एम स्क्वायर प्लस 1 करेंगे 25 प्लस 1 यानी 26,
तो क्या आ जाएगा हमारा ट्रिपलेट्स 10, 24, 26, ये ट्रिपलेट्स हो गया। ट्रिपलेट्स याद रखने का बहुत मस्त ट्रिक है फ्रेंड्स, आपको कोई नहीं बताएगा, किसी वीडियो में देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ 200% अगर किसी ने बता दिया ट्रिपलेट्स का फॉर्मूला कि कैसे याद रखना है, तो मैं आप जो बोलेगा वो कर वो वीडियो बना कर आपको भेजूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट प्रॉपर्टीज है, द बिटवीन टू कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन स्क्वायर देयर आर टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे हमारा किसी भी दो स्क्वायर नंबर्स एन स्क्वायर हो या फिर एन प्लस वन का स्क्वायर हो, उसके बाद बीच में क्या होता है दो नॉन परफेक्ट स्क्वायर इंक्लूड होते हैं, जिससे मैं अगली वीडियो में आपको एग्जाम्पल बताऊँगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बने रहिए मेरे साथ आप, तो ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हमारा एग्जाम्पल देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू।